हेलो एवरीवन माय सेल्फ विकास टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर ऑफ सिलोलिज्म तो बेटा आज हम सिलोलिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं और सिलोलिज्म है उसको हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे तो देखिए सिलोलिज्म सिलोलिज्म में आपको टू टाइप की जो है स्टेटमेंट या वर्डिंग कह लो मिलेगी एक तो आपको मिलेगी स्टेटमेंट और दूसरा आपको मिलेगा कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजनस ही मिलेंगे स्टेटमेंट क्या है कोई भी जो स्पीकर है वो अपनी बात रखेगा उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे और स्टेटमेंट के बिहाब पे हमें उस कंक्लूजन को चेक करना है कि कंक्लूजन इज़ ट्रू और फॉल्स तो देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको आपने हंड्रेड परसेंट मान के चलना है स्टेटमेंट को आपने हंड्रेड परसेंट ट्रू मान के चलना है जैसे आपको दे दे ऑल पेन आर पेंसिल ऑल पेंसिल आर हाउस ओल्ड ट्री आर इरेजर तो जैसे आपको कहा ओल्ड ट्री आर इरेजर वैसे जनरल लाइफ में आपके ट्री इरेजर नहीं होते बट यहाँ आपको स्टेटमेंट को हंड्रेड परसेंट ट्रू मानकर चलना है अब जो स्टेटमेंट है वो टू टाइप्स की होगी इसमें एक तो होगी यूनिवर्सल और दूसरी होगी पर्टिकुलर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है दोनों में जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो हंड्रेड परसेंट होगी हंड्रेड परसेंट का मतलब अपने आप में वो बात है वो क्लियर होगी जैसे कि या तो सभी होंगे या सभी नहीं होंगे तो जो हंड्रेड परसेंट है इसके दो केस बनेंगे एक तो बनेगा ओल और दूसरा केस बनेगा नो no. जैसे ऑल पेन आर पेंसिल सभी के सभी पेन क्या है पेंसिल हैं तो क्या हो गया हंड्रेड परसेंट हो गया हंड्रेड परसेंट ट्रू हो गया नो पेन इज पेंसिल कोई भी पेन pen, पेंसिल नहीं है तो ये भी हंड्रेड परसेंट ट्रू हो गया ये केस बनेगा पॉजिटिव और नो no वाला केस क्या बनेगा नेगेटिव ऐसे ही पर्टिकुलर मतलब है कि लेस देन हंड्रेड परसेंट जो हंड्रेड परसेंट से कम होगा वो हो जाएगी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये भी टू टाइप्स की होगी पहला केस बनेगा सम जो कि पॉजिटिव होगा और इसी का नेगेटिव बनेगा सम नोट नेगेटिव तो यहाँ आपको पूरे के पूरे सिलोक्स में चार टाइप की स्टेटमेंट मिलेंगी ऑल नो सम सम नोट इन फोर केसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और एक चीज़ और देखिए कई बार एग्जामिनर ऑल के प्लेस पे कुछ वर्ड देता है जैसे कि आपको दे देगा ईच एवरी हंड्रेड परसेंट जैसे आपको दे दे ईच पेन इज पेंसिल सॉरी एवरी पेन इज पेंसिल हंड्रेड परसेंट पेन आर पेंसिल तो यहाँ ईच एवरी हंड्रेड परसेंट इन सभी का मतलब क्या है ऑल है और सम सम के प्लेस पे भी कई वर्ड्स मिलते हैं आपको फ्यू जनरली मोस्ट ऑफ रेयरली सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट लीस्ट तो आपको सम के प्लेस पे काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे फ्यू जनरली मोस्ट ऑफ रेयरली सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट लीस्ट और मैनी तो इन सभी का मतलब है बच्चों सम जैसे ईच एवरी हंड्रेड परसेंट ओल को डिनोट करेगा वैसे ही ये सभी वर्ड्स सम को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो अभी तक हमने देखा कि मेनली जो इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ आपके फोर टाइप के केसेस मिलेंगे ऑल नो सम सम समोट अभी हम वन बाई वन इन केसेस को डील करेंगे तो सबसे पहले जब हम इसके वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट के तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी स्टेटमेंट के दो डायग्राम बनेंगे किसी भी स्टेटमेंट के जो हम डायग्राम बनाएंगे वो दो होंगे एक तो होगा आपका बेसिक डायग्राम और एक होगा पॉसिबल डायग्राम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से बेसिक और पॉसिबल डायग्राम बनेंगे तो सबसे पहला केस बच्चों जो हम करेंगे वो करेंगे ओल सबसे पहला केस है हमारा ओल ओल ए आर बी एग्ज़ाम्पल लिया हमने ओल ए आर बी तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में ओल ए आर बी गिवन है इसको आप रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि वेन डायग्राम से बाय यूजिंग ऑफ सर्कल्स हाउ टू रिप्रेजेंट ओल ए आर बी यहाँ जैसा आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में हम कहेंगे सारे के सारे ए बी हैं सभी ए बी हैं तो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ए को और एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बी को तो बच्चों इसका जो डायग्राम बनेगा ऑल ए आर बी ये ए हो गया और सभी ए क्या हैं बी हैं तो ओल वाले केस का जो डायग्राम होगा उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका अंदर वाले सर्कल में होगा दूसरा जो पहले वाले को कवर कर लेगा ऑल ए आर बी ये सारे के सारे ए क्या हैं बी हैं ठीक है अब ये तो क्या हो गया बच्चों ये हो गया इसका बेसिक डायग्राम जैसे मैंने अभी आपको बताया बेसिक और पॉसिबल दो डायग्राम बनते हैं तो ये क्या हो गया बेसिक डायग्राम क्या मैं इसका कोई और डायग्राम भी बना सकता हूँ जिसमें सारे के सारे ए बी हो जाए यस yes. मैं इसका एक डायग्राम और बना सकता हूँ देखिए ऑल ए आर डी तो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों यहाँ मैंने ए और बी को एक सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट किया ये सारे के सारे ए क्या हैं बी हैं ठीक है ऑल ए आर बी इस केस में क्या हो रहा है ट्रू ऑल ए आर बी इस केस में भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है बाकी इसके कंक्लूजन क्या क्या बनेंगे आप कहोगे सर इसमें तो सारे बी हैं वो भी ए हो गए तो इसके जो कंक्लूजन्स हैं उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले आप ये देखिए किसी भी स्टेटमेंट का एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है बेसिक और पॉसिबल डायग्राम का मतलब है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो किसी भी डायग्राम में फॉल्स नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट जो हमारा केस बनता है सेकेंड केस सम ए आर बी कुछ ए बी हैं अब हम इसके भी सबसे पहले बेसिक डायग्राम चेक करेंगे सम वाले केस का जो बेसिक डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा ये ए हो गया और ये बी सम ए का कुछ परसेंटेज क्या होगा बी होगा सम मीन्स 60% परसेंट भी हो सकता है 70% परसेंट भी 99% परसेंट भी जीरो से हंड्रेड परसेंट के बीच में जो वेरी करेगा वो क्या होगा सम होगा कुछ कुछ ए बी है तो ये तो हो गया बच्चों इसका बेसिक डायग्राम और हम इसके क्या डायग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर हमारा सम ए आर बी क्या हो जाए ट्रू हो जाए तो हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट देखिए एक डायग्राम मैंने ये बनाया मैंने बना दिया ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं तो यहाँ पे जो ये हमारी स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम ए आर बी ये वाले जो ए हैं ये भी क्या होंगे बी होंगे आपके मान लीजिए टेन ए हैं और टेन ए बी हैं तो जो ये टू ए है फाइव ए है सिक्स ए है नाइन ए है ये सभी क्या होंगे बी होंगे यानी कि अगर ये ए का कंप्लीट पार्ट बी के अंदर है तो जो सम होगा ये भी क्या होगा बी होगा तो एक पॉसिबल डायग्राम हो गया बच्चों ये और हम चेक करते हैं क्या कोई और पॉसिबल डायग्राम बनेगा एक ये देखिए सम ए आर बी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब आप जैसे देखोगे कि इस वाले सर्कल में ये जो अंदर वाला सर्कल है इसमें अकेले बी नहीं है इसके अंदर ए भी प्रजेंट है तो जो इस बी वाले सर्कल में ए प्रजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे सम ए आर बी हो जाएंगे ठीक है आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर है तो ये सभी इसके क्या बन रहे हैं बच्चों ये सारे इसके पॉसिबल डायग्राम बन रहे हैं ये दोनों और जो बेसिक डायग्राम है वो ये हो जाएगा सम ए आर बी का नेक्स्ट केस हम देखते हैं थर्ड केस नो ए इज बी कोई भी ए बी नहीं है तो इसका बेसिक डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा ए का सर्कल अलग हो जाएगा बी का सर्कल अलग हो जाएगा तो नो ए इज बी एक सर्कल तो ए और एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बी को और दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा जिसको हम क्रॉस से शो कर देंगे ठीक है यहाँ क्रॉस से शो करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपका क्वेश्चन में फोर फाइव स्टेटमेंट होंगी तो वहाँ अलग से आपको डिनोट हो जाएगा कि नो का रिलेशन किसके बीच में है तो नो ए इज बी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा अब बच्चों क्या यहाँ कोई पॉसिबल केस बनेगा इसका कोई भी पॉसिबल केस नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में नो का रिलेशन है नो के केस में एक ही फिक्स डायग्राम होगा वो बेसिक डायग्राम नो ए इज बी अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को फोर्थ हमारा जो टाइप है सम नोट का सम ए आर नोट बी कुछ ए बी नहीं है सम ए आर नोट बी तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो क्या क्या डायग्राम हो सकता है फर्स्ट डायग्राम सम ए आर नोट बी देखिए जब हमारा स्टेटमेंट था सम ए आर बी तो हमने ये वाला पोर्शन देखा सम ए आर बी अब वो कहता है कुछ ए बी नहीं है तो अब हम यह बाहर वाला देखेंगे सम ए आर नॉट बी यानी कि इस बी वाले सर्कल से जो बाहर ए है वो बी नहीं होंगे ठीक है दूसरा डायग्राम सेकेंड डायग्राम हम इसका बना सकते हैं नॉट बी इसमें भी जो बी के सर्कल से बाहर वाले ए हैं ये जो ए है, ये क्या नहीं होंगे बच्चों ये बी नहीं होंगे सम ए आर नॉट बी इसमें भी ट्रू हो रहा है ठीक है थर्ड जो हम इसका पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे थर्ड हमारा डायग्राम हो जाएगा ये अब आप कहोगे सर ये तो नो ए इज बी है तो देखिए अगर ये पूरा का पूरा जो सर्कल ए वाला है ये बी नहीं है तो मैं ये सम ले लेता हूँ ये जो सम है ये वाला सम क्या हो जाएगा सम ए आर नॉट बी ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा जब ये दस पेन पेंसिल नहीं है तो ये दो दो या फिर पांच पेन होंगे ये भी क्या नहीं होंगे पेंसिल नहीं होंगे तो बच्चों अब तक हमने फोर केस को स्टडी किया सबसे पहला केस था ओल ओल वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ए आर बी का जो बेसिक डायग्राम है वो ये है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं नो इज बी का एक ही डायग्राम बनेगा दोनों सर्कल हमारे सेपरेट हो जाएंगे और सम ए आर नोट बी का हमारा जो बेसिक डायग्राम की मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा बेसिक डायग्राम सम ए आर नोट बी और ये उसके पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं ठीक है अब हम इन चारों केस से रिलेटेड स्टेटमेंट को देखते हैं फर्स्ट केस देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट केस हमारा रिलेटेड करेगा ओल से तो ओल वाला केस देखिए ओल पेन आर पेंसिल आपको स्टेटमेंट गिवन है ओल पेन आर पेंसिल उसके बाद सेवन कंक्लूजन्स हैं आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ ट्रू विच इज़ फॉल्स तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो तुरंत आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे ओल वाला डायग्राम बनाइए ओल पेन आर पेनसिले pen हो गया पेन और यह हो गया पेंसिल ओल पेन आर पेंसिल ठीक है अब आप सोचेंगे कि सर आपने बताया था बेसिक और पॉसिबल सभी डायग्राम बनाने हैं तो बेटा आप इसका एक ही डायग्राम बना लो बेसिक डायग्राम बनाने को तो आप पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ बनाएं ऑल पेन आर पेंसिल तो ये इसका हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम ऑल का ठीक है अब देखिए कुछ पॉइंट्स का और ध्यान करना है आपने सबसे पहले पूरे जो सिलोक्स में यूज होंगे आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओल को हम सम बोल सकते हैं ओल को हम सम पढ़ सकते हैं वी कैन रीड सम टू ओल ओल को हम सम पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ना है यह आपको अभी पता लग जाएगा एक बार आप नोट कर लो बट सम को हम ओल नहीं पढ़ सकते सम को हम ओल नहीं पढ़ सकते ओल को हम सम बोल सकते हैं लेकिन सम को ओल नहीं बोल सकते थर्ड है नो no को हम सम नोट भी बोल सकते हैं नो no को हम सम नोट भी बोल सकते हैं ठीक है अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन सम पेन आर पेंसिल हमें गिवन है ओल पेन आर पेंसिल और कंक्लूज़न है हमारा सम पेन आर पेंसिल देखिए ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो ये जो सभी पेन है ये पेंसिल हैं तो ये थोड़े से जो सम होंगे ये पेन भी क्या होंगे पेंसिल होंगे और यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो सम पेन होंगे ये भी क्या होंगे पेंसिल इट मीन्स कंक्लूजन फर्स्ट इज़ ट्रू ठीक है क्योंकि अभी आपने देखा मैंने आपको बताया था कि ऑल को हम क्या बोल सकते हैं सम हमारे पास स्टेटमेंट में था ओल पेन आर पेंसिल और ओल को हमने क्या बोला सम सम पेन आर पेंसिल तो ओल को हम सम बोल सकते हैं इसीलिए हमारा फर्स्ट क्या हो गया कंक्लूजन ट्रू हो गया सेकंड देखिए सम पेंसिल आर पेन अब आप इसमें डायग्राम में चेक करो सम पेंसिल आर पेन क्या ट्रू है तो बिल्कुल ट्रू है बच्चों यहाँ इस सर्कल में देखिए आप पेंसिल भी प्रेजेंट है तो इसमें जो पेंसिल होंगे वो क्या हो जाएंगे पेन सेम इसी केस में सम पेंसिल आर पेन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा या फिर इसका एक तरीका और है जैसे एक तो डायग्राम ये है दूसरा यहीं पे केस ले लो ये पेन और ये पेंसिल अगर आपको कभी भी पेन से पेंसिल पे जाना हो यानी कि इस टाइप से आपको ओल वाला केस गिवन हो और अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल में जाना हो तो इस केस में जो ये पहला केस बना इसमें ओल और सम दोनों ही ट्रू होंगे ऑल और सम दोनों ही ट्रू होंगे जैसे ऑल पेन आर पेंसिल ट्रू होगा सम पेन आर पेंसिल ट्रू होगा लेकिन अगर आपको ये रिवर्स केस दे दे कि बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पे आना है तो इस केस में ओनली सम ट्रू होगा इस केस में ओनली सम ट्रू होगा ठीक है आई होप क्लियर है आपको ये चीज़ तो यहाँ से हम देख रहे थे कि हमें दिया हुआ है सम पेंसिल आर पेन यानी कि हम पेंसिल से पेन आ रहे हैं बाहर वाले सर्कल से अंदर आ रहे हैं तो हमारा जो केस है वो क्या बनेगा सम का बनेगा सम पेंसिल आर पेन क्या हो जाएगा ट्रू और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो सम पेंसिल आर पेन क्या है ट्रू है थर्ड ऑल पेंसिल आर पेन अब हम पेंसिल से पेन पे आ रहे हैं ऑल पेंसिल आर पेन पेंसिल से पेन पे आ रहे हैं तो यहाँ जो आपका ओल वाला केस है मैंने बताया था बाहर से अंदर वाले सर्कल में आओ तो ओनली सम का केस ट्रू होगा इसीलिए यहाँ जो ओल दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इस डायग्राम में क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है लेकिन जब आप यहाँ देखोगे ओल पेंसिल आर पेन तो आपको क्या मिलेगा आपको ट्रू मिलेगा ठीक है जब आपने देखा ओल पेंसिल आर पेन आपको दिखाई दे रहा ना ये बाहर वाले पेन से बाहर वाले पेंसिल तो पेन नहीं है लेकिन यहाँ जितने भी पेंसिल हैं ये सारे के सारे पेंसिल क्या हैं पेन हैं तो अब आप कहोगे सर हम क्या करें इस डायग्राम में फॉल्स है इस डायग्राम में ट्रू है तो बेटा किसी भी कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए सभी डायग्राम्स में ट्रू होना ज़रूरी है अगर सिंगल डायग्राम में भी आपका कंक्लूजन फॉल्स हो गया तो उस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे फॉल्स करेंगे क्लियर है आपको ठीक है अगर दोनों में से एक में भी फॉल्स हो गया तो हम क्या करेंगे फॉल्स करेंगे ठीक है और बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो रहा है तो पॉसिबल में चेक करने की नीड नहीं है अगर कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो रहा है तो बाकी में चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि एक में भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नो पेंसिल इज पेन अब इसमें देखो क्या कोई ऐसा पेन आपको दिख रहा है जो पेंसिल ना हो तो ये गलत है क्योंकि हमें बोला गया है सभी के सभी पेन क्या होंगे पेंसिल होंगे इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स नो पेन इज पेंसिल नो पेन इज पेंसिल आप यहाँ देखो इसमें देख लो या इसमें देख लो सारे के सारे पेन क्या हैं पेंसिल हैं इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट सम पेंसिल आर नोट पेन इस डायग्राम में देखो जो हमारे ये है ना सम पेंसिल आर नोट पेन यहाँ तो हमारा हो रहा है ट्रू कि ये जो बाहर वाले पेंसिल हैं ये पेन नहीं होंगे लेकिन इसमें देखो आप सम पेंसिल आर नोट पेन क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है और अभी आपको बताया था एक भी डायग्राम में फॉल्स हो गया तो इट मीन्स आप उसको फॉल्स करोगे लास्ट सम पेन आर नॉट पेंसिल कुछ पेन है वो पेंसिल नहीं होंगे और यहाँ आपको गिवन है सारे के सारे पेन क्या होंगे पेंसिल इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो इसमें देखा आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड दो कंक्लूज़न ट्रू हो जाएंगे अब एक पॉइंट का और ध्यान रखेंगे इन थ्री पॉइंट्स के अलावा व्हेन आवर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव कंक्लूजन मस्ट भी पॉजिटिव अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा वेन आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट भी नेगेटिव ठीक है पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन आएगा तो यहाँ आपने देखा ऑल पेन आर पेंसिल स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव और जो हमने फोर कंक्लूजन देखे लास्ट वाले ये सभी कैसे हैं नेगेटिव तो बिना इसको आपने चेक किए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो उसको हमने डायरेक्ट फॉल्स करना है और बाकी को हम चेक करेंगे अब हम मूव करते हैं हमारा जो सेकेंड केस था सम वाला केस सेकेंड केस देखिए सम पेन आर पेंसिल तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे बेसिक डायग्राम सम पेन आर पेंसिल ये जो पेन है ये पेंसिल होंगे और इसके जो डायग्राम बन सकते हैं सम पेन आर पेंसिल के ये भी डायग्राम बनेगा सम पेन आर पेंसिल ठीक है ये वाला जो सम हो जाएगा एक आपका ये डायग्राम बनेगा सम पेन और पेंसिल का ये भी डायग्राम बनेगा जो सर्कल के इस सर्कल के अंदर वाले पेन होंगे वो भी क्या होंगे पेंसिल होंगे ठीक है तो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कंक्लूजन को आप देखिए तो यहाँ आप लास्ट फोर कंक्लूजन को देखोगे इन सभी कंक्लूजन में कैसा वर्डिंग है ये सभी नेगेटिव हैं जैसे नो no, यहाँ भी नो no है और ये सम नोट नेगेटिव ये नोट नेगेटिव तो आपने अभी देखा था जब भी हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो वहाँ से जो कंक्लूजन मिलेगा वो भी कैसा होगा पॉजिटिव जबकि ये चारों ही कंक्लूजन कैसे हैं नेगेटिव हैं इसीलिए हम इनको बिना चेक किए फॉल्स कर देंगे वेन आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव ये चारों नेगेटिव हैं इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया अब हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सम पेंसिल आर पेन तो एक बार इस डायग्राम में चेक कीजिए सम पेंसिल आर पेन बेसिक डायग्राम में चेक करो क्या कुछ पेंसिल पेन pen है गिवन तो ये है सम पेन आर पेंसिल और पूछा है इसका रिवर्स सम पेंसिल आर पेन तो बिल्कुल ये वाली जो पेंसिल है ये क्या होंगी पेन इसमें क्या हो रहा है ट्रू नेक्स्ट में देखते हैं सम पेंसिल आर पेन तो इसमें भी बिल्कुल ट्रू है इस सर्कल के अंदर वाली जो पेंसिल होंगी वो क्या होंगी पेन थर्ड में देखिए सम पेंसिल आर पेन ये वाली जो पेंसिल है ये भी क्या होंगी पेन तो तीनों में ही ट्रू हो रहा है इट मींस हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ठीक है सम ए आर बी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सम बी आर ए ऐसे ही सम पेन आर पेंसिल का बनेगा सम पेंसिल आर पेन उसका रिवर्स सेकेंड देखिए ऑल पेन आर पेंसिल अब यहां देखो ऑल पेन आर पेंसिल वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे एक बार आप देख लो ऑल पेन आर पेंसिल इसमें क्या हो रहा है फॉल्स ऑल पेन आर पेंसिल इसमें क्या हो रहा है ट्रू ऑल पेन आर पेंसिल इसमें क्या हो रहा है फॉल्स आपका तीन में से दो डायग्राम में फॉल्स हो रहा है और मैंने बताया था एक भी डायग्राम में फॉल्स हो गया तो हम उसको क्या करेंगे फॉल्स करेंगे या आप इसको सिंपल कैसे कर सकते थे जैसे अभी आपको बताया था कि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते यहाँ आपको गिवन है सम पेन आर पेंसिल और वो आपसे पूछ रहा है ओल पेन आर पेंसिल तो सम को क्या बोल रहा है ओल जबकि हम सम को ओल नहीं बोल सकते इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है जैसे आपने चेक किया ओल पेन आर पेंसिल को बेसिक डायग्राम में चेक किया तो फॉल्स हो रहा है और बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की नीड नहीं है थर्ड पे देखिए ओल पेंसिल आर पेन यहाँ आपने देखा था एक कंक्लूजन हमारा सम पेंसिल आर पेन क्या था हमारा ट्रू और सम को फिर क्या बोल रहा है ऑल तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा फोल्स हो जाएगा और आप इसको देख भी सकते हो ऑल पेंसिल आर पेन आपका बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो रहा है और बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गया तो बाकी डायग्राम में चेक करने की नीड नहीं है ये फॉल्स हो जाएगा तो आपने देखा सम वाले केस में अगर सम पेन आर पेंसिल है तो उसका एक ही केस बनेगा कंक्लूजन सम पेंसिल आर पेन उसका जस्ट रिवर्स अब देखिए थर्ड केस थर्ड केस में है नो पेन इज पेंसिल तो हम नो को रिलेशन को शो करेंगे डिफरेंट सर्कल से नो पेन इज पेंसिल ठीक है ये पेंसिल हो गया नो पेन इज पेंसिल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ये पेन और ये पेंसिल और दोनों को हमने क्रॉस से शो कर दिया कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है ठीक है नो पेन इज पेंसिल अब यहाँ आपको जो कंक्लूजन दिए हुए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं तो सबसे पहले आप जो कंक्लूजन है जो तुरंत आप रिमूव कर सकते हो उसको देखो आपको बताया था वेन आवर और स्टेटमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट भी नेगेटिव अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा नेगेटिव होगा तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए आप नो नो मीनस स्टेटमेंट कैसी है नेगेटिव तो कंक्लूजन भी कैसे आएंगे नेगेटिव और आप देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन ये सभी कंक्लूजन कैसे हैं ये सभी कंक्लूजन सम और ऑल यानी कि पॉजिटिव हैं तो ये चार कंक्लूजन तो हो जाएंगे हमारे फॉल्स अब हम इनको चेक करेंगे ठीक है नो पेन इज पेंसिल गिवन है और आपसे पूछा है नो पेंसिल इज पेन यानी कि ठीक इसका रिवर्स पूछा है अब एक कॉमन सेंस की बात है बच्चों कोई भी ए बी नहीं है कोई ए बी नहीं है तो क्या कोई बी ए होगा नहीं होगा ठीक है कोई राम घनश्याम नहीं है तो घनश्याम भी राम नहीं होगा सेम अगर नो पेन इज पेंसिल गिवन है और आपको इसका रिवर्स दे दे नो पेंसिल इज पेन तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नो no का रिलेशन दोनों तरफ से बनेगा ठीक है जैसे आपने पहले वाले केस में देखा था जो सम का रिलेशन है वो दोनों तरफ से बनता है सम ए इज बी है तो सम बी इज ए क्या होगा ट्रू ऐसे ही नो no का रिलेशन दोनों तरफ से बनेगा कोई पेन pen, पेंसिल नहीं है तो कोई पेंसिल भी पेन नहीं होगी ठीक है सेकेंड देखिए सम पेंसिल आर not पेन अब उसने बोला है सम पेंसिल आर नॉट पेन और अभी आपने कंक्लूजन को किसको ट्रू किया था नो पेंसिल इज पेन और नो की जगह क्या आ गया सम पेंसिल आर नॉट पेन और आपको पता है नो को हम क्या बोल सकते हैं सम नॉट नो को हम क्या बोल सकते हैं सम नॉट तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा इसको एक बार डायग्राम पे समझो आप कोई पेंसिल पेन pen नहीं है तो ये जो पेंसिल होंगे ये जो सम होंगे ये जो पेंसिल होंगे 5% 10% 50% ये भी क्या नहीं होंगे पेन नहीं होंगे इसीलिए अगर नो पेन इज पेंसिल है तो नो को हम क्या बोलेंगे सम नोट सम पेंसिल आर नोट पेन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन सम पेन आर नोट पेंसिल आपको गिवन क्या है बच्चों नो पेन इज पेंसिल और नो no को हम क्या पढ़ सकते हैं सम नोट सम पेन आर नोट पेंसिल क्या हो जाएगा ट्रू तो यहां से हमने दो पॉइंट्स को सीखा सबसे पहला जिन दो के बीच में दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है वो नो का रिलेशन बोथ साइड से दोनों तरफ से बनेगा अगर नो का रिलेशन बन रहा है तो बच्चों सम नोट का रिलेशन भी दोनों तरफ से बनेगा देखिए नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट केस हमारा सम नोट सम पेन आर नोट पेंसिल तो सम नोट का हम डायग्राम बनाएंगे तो मैंने आपको जो बेसिक डायग्राम बताया था वो ये है सम पेन आर नोट पेंसिल यानी नो वाला केस का डायग्राम ही बनेगा आपका अब ये हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में नो का रिलेशन है तो सम नोट का भी होगा आपको अभी बताया है तो ये वाले पेन है ये पेंसिल नहीं होंगे और क्या डायग्राम बना सकते हैं हम सम पेन आर नोट पेंसिल का देखिए ये हो जाएगा सम पेन आर नोट पेंसिल पेंसिल से बाहर वाले जो पेन हैं वो पेंसिल नहीं होंगे एक ये डायग्राम भी हो सकता है आपका सम पेन आर नोट पेंसिल ये जो बाहर वाले पेन हैं ठीक है ये आपके पेंसिल नहीं होंगे तो देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं और स्टेटमेंट इज नेगेटिव सम नोट आर है ना तो नेगेटिव हो गया तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव यहाँ आप देखिए ये चारों ही कंक्लूजन आपके फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि ये चारों ही कैसे हैं ऑल और सम के पॉजिटिव है अब फर्स्ट को चेक कीजिए सम पेंसिल आर नोट पेन हम चेक करते हैं सम पेंसिल आर नोट पेन इस केस में चेक करो सम पेंसिल आर नोट पेन अब पेंसिल पेन pen में नो का रिलेशन है तो सम नोट का भी बनेगा तो फर्स्ट केस में हो रहा है ट्रू सेकंड में चेक कीजिए सम पेंसिल आर नॉट पेन तो बच्चों क्या इस केस में कोई पेंसिल है जो पेन नहीं होगी यहाँ सभी के सभी पेंसिल क्या हैं पेन तो इसमें क्या हो गया फॉल्स हो गया अब आपको बताया था अगर एक भी डायग्राम में हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है तो हम उसको वहीं पे फॉल्स कर देंगे आगे चेक करने की नीड नहीं है तो सम पेन आर नॉट पेंसिल इसमें फॉल्स हो रहा है इसीलिए हम इसको कर देंगे फॉल्स ठीक है नेक्स्ट देखिए नो पेन इज पेंसिल तो वही फिर से फर्स्ट केस में चेक करते हैं नो पेन इज पेंसिल इस केस में क्या हो रहा है ट्रू और सेकेंड केस में नो पेन इज पेंसिल क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे फॉल्स करेंगे थर्ड नो पेंसिल इज पेन फर्स्ट केस में देखिए नो पेंसिल इज पेन ट्रू और इस केस में नो पेंसिल इज पेन क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है तो इसीलिए हम इसको भी क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे तो आपने देखा कि सम नोट सम नोट वाला जो केस होगा उसके अंदर कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा अगर आपको दे दिया सम ए आर नोट बी तो सम ए आर नोट बी का कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा ना तो ओल का बनेगा ना सम का बनेगा ना फिर नो का बनेगा सम नोट वाले केस में कोई भी कंक्लूज़न नहीं बनता तो बच्चों हमने वन बाय वन सभी जो हमारे फोर केसेस थे उनको स्टडी किया सबसे पहले ओल का केस स्टडी किया फिर सम उसके बाद नो और फिर सम नोट यहाँ हमने देखा कैसे हम किसी भी स्टेटमेंट के बेसिक या फिर पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद कुछ पॉइंट्स को हमने देखा कि अगर कोई हमारा कंक्लूजन एक भी हमारे बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गया या फिर किसी भी एक भी केस में फॉल्स हो गया तो हम उसको क्या करेंगे फॉल्स करेंगे और यहाँ जो पॉइंट्स हैं सबसे मेन कि ओल को हम सम पढ़ सकते हैं सम को हम ओल नहीं पढ़ सकते नौ no को हम समनोट भी पढ़ सकते हैं उसके बाद जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उससे पॉजिटिव कंक्लूज़न आएगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूज़न आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बच्चों जब हमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट दी हो तो कैसे हम उसका एक कॉमन वेन डायग्राम से कंक्लूज़न को फाइंड आउट करेंगे थैंक यू